हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है रिगार्डिंग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड रॉबर्ट्स लॉ। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को देखते जाइए, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रॉबर्ट्स लॉ इन वेपर कंपोजिशन। ठीक है, उसके पहले हम लोग थोड़ा उसका रिलेशनशिप देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन। मैंने बताया था जो हम लोग अभी तक पढ़े रॉबर्ट्स लॉ में, उसमें हम लोग लिक्विड वाला पढ़े, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर वाला। ठीक है, तो सेम चीज़ है। आपको मैंने रॉबर्ट्स लॉ में जैसे बताया था कि एक वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, जो भी मतलब कि आपको ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको लिक्विड में कैलकुलेट करना है टोटल वेपर प्रेशर, तो उसको हम लोग वेपर प्रेशर इन लिक्विड बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं आपको वेपर में, मतलब ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कहानी आपका रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या हम लोग एज्यूम किए हैं। हेयर वी आर एज्यूमिंग डैट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी गोज इन टू वेपर इज वेरी लेस, ड्यू टू विच एक्स ए एंड एक्स बी विल डायरेक्टली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग इट्स मोल। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जो वेपर प्रेशर था आपका पी ए नॉट एक्स है, ये जो है ऊपर जब वेपर में कन्वर्ट हुआ है वो बहुत ही लेस अमाउंट में जाता है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी, वो हम लोग डायरेक्टली मोल से ही लो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्टली मोल्स को ही हम लोग ले लेते हैं कि मतलब बहुत ही कम अमाउंट जाता है। मतलब कि मान लीजिए जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ ए होल डिवाइड बाई मोल्स ऑफ एन ए प्लस एन बी। ठीक है, जब ये वेपर प्रेशर है बहुत ही कम अमाउंट में जाता है, मतलब कि ये टोटल वाला नीचे वाला ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है एन ए के बराबर। ठीक है, तो एन ए कैंसिल हो जाता है, मतलब टोटल एक से कितना वन के बराबर होता है, मतलब कि जितना मोल्स रहता है उतना ही मोल्स ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल इसका कहने का अर्थ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं आइडियली कंडीशन में कि हम लोग यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग उसका मोल्स ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल रिलेशन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक तो देख लिए लिक्विड में हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या था, एक्स ए एक्स बी, लेकिन जब हम लोग वेपर में जाते हैं तो उसका भी अलग एक मोल फ्रैक्शन होता होगा, तो उस मोल फ्रैक्शन को वाई ए और वाई बी मानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जब हम लोग वेपर प्रेशर निकालेंगे वेपर कंपोजिशन में, वेपर मिक्सचर में। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला टर्म है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट्स लॉ हम लोग को अभी क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है किसमें, वेपर कंपोजिशन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट्स लॉ हमको क्या पता है कि पी ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए होता है, पी वी क्या होता है, पी वी नॉट एक्स बी होता है। इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए हैं, ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ जो आपको गैसीय सिस्टम में पढ़ा हुआ, इसके पहले मैं अभी मैं आपको कुछ दिन कितना 7 या 8 लेसन में मैंने आपको बताया है कि जब वेपर प्रेशर आपको डिस्कस किया था उस समय भी आपको मैं डाल्टन्स लॉ के बारे में बताया था। क्या होता है डाल्टन्स लॉ, कि जो वेपर प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, मतलब जो वेपर प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर इंटू इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, मतलब कि पी ए बराबर पी टी इंटू एक्स है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ऊपर जो नहीं है इसमें, जैसे कि आप देख लीजिए, ये देख लीजिए जो ऊपर कैलकुलेट है इसका मोल फ्रैक्शन जो होगा, और इसमें जो हम लोग प्रेशर निकालते हैं, मान लीजिए इसका प्रेशर यहाँ पे हम लोग ले लिए पी ए, और टोटल प्रेशर क्या होगा पी टी, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो ये होता है डाल्टन्स लॉ ओरिजिनली अप्लीकेबल फॉर वेपर्स, नॉट अप्लीकेबल लिक्विड वेपर। ओके, इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर वेपर मिक्सचर। ओके, तो उस समय भी हम लोग वेपर के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से हम लोग यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं आपको वेपर प्रेशर इन वेपर कंपोजिशन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी टी इंटू वाई, वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका कंपोनेंट है, उसी तरह पी बराबर क्या होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई भी। ओके, तो ये था आपका ओवरऑल डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए, मतलब पी ए दोनों बराबर है, पी ए के बराबर क्या है, तो यहाँ से पी ए नॉट एक्स ए हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा पी टी इंटू वाई है, पी टी इंटू वाई लिख दिए। अब यहाँ से आप
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स है, डिवाइड कर दीजिए नीचे पी टी से, तो पी टी से डिवाइड कर लिए, और पी ए नॉट एक्स है तो पी ए नॉट एक्स रहने दीजिए, और पी टी हमको टोटल प्रेशर हमको पता ही है क्या है, क्या होता है, पी ए टोटल प्रेशर पी ए नॉट एक्स है प्लस पी नॉट एक्स है अकॉर्डिंग टू राउट्स फ्लो। मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है इसके पहले वाले लेसन में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए दोनों लेसन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको बोल रहा था कि ये अगला लेसन जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, इसलिए बोला था कि आप एक एक पॉइंट को देखते जाइए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली समझते जाइए। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाले को टोटल को हम लोग ये बोल सकते हैं, नीचे वाले को टोटल को हम लोग पी टी बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर बोल सकते हैं, क्या हो गया वाई ए बराबर, क्या वाई ए बराबर मतलब क्या हो गया आपका, वाई ए बराबर हो गया पी ए होल डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। ठीक है, उसी तरह आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, वाई ए को वाई बी के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आप समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ओवर मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखिए, जैसे मोल फ्रैक्शन टर्म वहाँ पे मैंने भी लिखे दिखा था, जो कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आया था। ठीक है, और सेकेंड में हम लोग आपको वेपर प्रेशर निकाले थे, तो अब लोग हम लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चलते हैं, तो वेपर प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम लोग को पी ए नॉट एक्स बराबर क्या दिया होता है, पी टी इंटू वाई है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अकॉर्डिंग टू जब इन दोनों कंपेयर किए हैं तो क्या है, पी ए नॉट एक्स बराबर पी टी इंटू वाई है। ओके, इसी तरह यहाँ से हमको हमारे पास x से बराबर क्या आ गया, पी टी इंटू वाई ए डिवाइड पी ए नॉट, उसी तरह पी वी नॉट एक्स भी इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई भी, यहाँ से x भी हमारा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ भी क्या आ गया, पी टी इंटू वाई भी। जब हम इसको टोटल प्रेशर में हम लोग जब इसको पुट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि x से प्लस x भी क्या होना चाहिए, तो हम लोग एक बार x से का मान रख देते हैं, एक बार x भी का मान रख देते हैं, x से का मान क्या है पी टी इंटू वाई ए डिवाइड पी ए नॉट, और x भी का मान है पी टी इंटू वाई भी इंटू पी ए नॉट। ठीक है, क्या है पी टी इंटू वाई बी इंटू पी ए नॉट, आप इन दोनों को पुट कर दीजिए, तो आप अगर इसको ऐड कीजिएगा एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आएगा, ओवरऑल आपका ये आएगा वन डिवाइडेड पी टी इज इक्वल टू वाई ए डिवाइडेड पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइडेड पी वी नॉट। ये होता है आपका वेपर में, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में आपको बताया था पी टी होता है इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी होता है, ये आपका होता है क्या होता है, ये होता है आपका इन लिक्विड, लिक्विड में ये वेपर प्रेशर होता है, ये वेपर में वेपर प्रेशर होता है। एक बार मैं आपको जो भी मतलब डायरेक्ट ये लेसन देखेंगे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर भी मैं उनके लिए अभी इजी कर देता हूँ। जैसे कि ये था ओवरऑल आपका कंडीशन, अभी अब तक हम लोग जैसे कि लिक्विड में हम लोग देखा था, लिक्विड में हम लोग वेपर प्रेशर देखे थे अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, तो ये होता है लिक्विड में, लेकिन टोटल वेपर प्रेशर आपको होता है पी टी बराबर पी नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी। लेकिन जब यहाँ से जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका भी हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी कुछ होता है, तो इसका होता है ये इन वेपर क्या होता है वन अपॉन पी टी इंटू वाई ए डिवाइड बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी डिवाइड बाई पी वी नॉट। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें, क्या होता है कि पी टी भी डिवाइड में रहता है, पी नॉट भी डिवाइड में रहता है, पी वी नॉट भी डिवाइड रहता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन जैसा कि रहता है वैसे ही रहता है। ठीक है, तो याद करने में ईजी है, इसी हम लोग प्रेशर के टर्म को हम लोग रिसिप्रोकल कर देंगे तो वो वेपर में जाएगा, और अगर हम लोग उसको रिसिप्रोकल अगर रिसिप्रोकल करेंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, याद इसलिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, आप अभी इसका देख लेंगे फिर दोनों कंबाइन देख लेंगे ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, दोनों को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये वाल ये कैलकुलेट होता है आपको वेपर में आपको वेपर प्रेशर निकालने के लिए, और ये होता है आपको लिक्विड में वेपर प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल कहानी ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए कि जैसे कि मैं अभी ये फॉर्मूला अभी ड्राइव किया आपको। ठीक है, तो पहले तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, वन ऑफ पी टी वर्सेस आपको वाई ए में, तो वाई ए के लिए आपको जैसे यहाँ वाई बी टर्म है, यहाँ वाई ए, तो हमको कभी पहले तो इसमें एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमको क्या पता है कि वाई ए प्लस वाई बी क्या होता है वन होता है, तो यानी यहाँ से आप वाई ए बराबर क्या लिख सकते हैं वन माइनस वाई बी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप वन वाई बी की जगह वन माइन या वाई बी की जगह या वाई वाई बी की जगह आप वन माइनस वाई ए पुट कर दीजिए या वाई ए की जगह वन माइनस वाई बी पुट कर दीजिए, दोनों बराबर बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वाई बी की जगह वन माइनस वाई ए पुट किए हैं, तो ये ओवरऑल आपका टर्म निकल गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ की सी जो होता है सम कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट होता है या इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, इसी टर्म पर बैठाइए आपको, इसको आप ले लीजिए वाई एक्सिस में, इसको आप ले लीजिए कांस्टेंट सी, इसको ले लीजिए आप एक्स एक्सिस में, इसको ले लीजिए आप स्लोप एम ले लीजिए।
ठीक है, तब इसमें बैठ गया वाई बराबर ये एम एक्स हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट क्या है, वन अपॉन पी वी नॉट। तो अभी हम लोग किस में ग्राफ देख रहे हैं, हम लोग अभी ग्राफ देख रहे हैं वाई एक्सिस वन बाई पी टी वर्सेस वाई ए, मतलब वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास वन बाई पी टी, एक्स क्या है हमारे पास वाई ए, तो वाई ए हो गया आपका। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है वन अपॉन वाई बी, तो यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट क्या आ गया, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया वन अपॉन पी वी नॉट। आशा करते हैं ये सब समझ में आ गया होगा। एम क्या है, एम आपका ये है वन अपन पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट, ओके वन अपन पी ए नॉट माइनस वन अपन पी वी नॉट, ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल वन अपन पी टी डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन। लेकिन हमको किस में चाहिए था, हम लोग पिछले में किस में, पिछले जो राउट लॉ देखे थे इन लिक्विड, उसमें हम लोग किस में देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन देखे। तो इसको हम लोग को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि मान लीजिए ऐसा ऐसा इक्वेशन था वाई बराबर एक्स टाइप का कुछ इक्वेशन था, जो मान लीजिए ये वाला एम एक्स प्लस सी टाइप का है, जब हम लोग वाई को रिसिप्रोकल करेंगे मतलब वन अपन वाई करेंगे एक्स इक्वल टू टाइम्स ये, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे बनता है। तो यही आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे समथिंग ये आर्क बनेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे। ठीक है, ऐसे करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये ग्राफ बन रहा है आपका पी टी वर्सेज उसका मोल फ्रैक्शन टाइम। ठीक है, समझ गए ना, आपको इसको रिसिप्रोकल कीजिएगा तो कुछ समथिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे बनेगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे बनेगा और सम इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे पी वी नॉट, और इधर का इंटरसेप्ट सम पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर इन वेपर कंपोजिशन। ओके, अब हम लोग दोनों का देख लेते हैं इन वेपर में और लिक्विड में साथ में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप पहले आपको लिक्विड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये लिक्विड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ये था आपका टोटल प्रेशर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला टर्म। ठीक है, अब हम लोग वेपर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, देखिए वेपर का क्या है, वेपर का ये वाला है मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। तो दोनों को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हम लोग दोनों कंबाइन करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला लिक्विड का हो गया, ये वाला वेपर का हो गया। ठीक है, ये वाला लिक्विड का हो गया और ये वेपर का हो गया। तो कैसे समझना है, तो ये था आपका ओवरऑल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप इसी ग्राफ से कोई भी पूछेगा आपको, कोई मेंस में एक बार ऐसे सवाल, एडवांस में ऐसा एक सवाल पूछ दिया था, ग्राफ दे दिया था, उसमें कुछ डेटा वोटा नहीं दिया था, ऐसे ही ग्राफ दे दिया था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मार्कआउट कर दिया था, इधर भी मार्कआउट कर दिया था। ठीक है, और इसी से बोल दिया था कि आपको पी ए नॉट का मान बताइए, और नहीं आपको पी ए का मान बताइए, पी बी का मान बताइए। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए अगर आपको इस पॉइंट का मान दिया हुआ है तो यहाँ से आप पता कर लीजिए कि यहाँ पे एक्स से कितना है और यहाँ से आपको टोटल प्रेशर कितना है लिक्विड का। ठीक है, उसी तरह आप इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आइएगा तो ये पॉइंट पड़ेगा, तो यहाँ से आप पता कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए कितना है और इससे हमको टोटल प्रेशर कितना है, मतलब ये वाई ए मतलब कहने का अर्थ कि आपका वेपर में कितना है। ठीक है, और एक्स से कहने का मतलब लिक्विड में कितना है। ठीक है, तो इससे आपका दोनों कंबाइन करके ये ग्राफ बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो इसको आप एक बार प्लीज़ 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 इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये टोटल राउट लॉ का ओवरव्यू था। आप इस ग्राफ से टोटल राउट लॉ को समझा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आए कि क्या है। पहले आप फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर फॉर्मूला को इस पर सेटअप कीजिएगा, फिर बनाने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं कि ये आपसे बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा और आपने आंसर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। तो ठीक है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन क्या बोला है, इन बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ फॉर्म इन विच एक्स दिया हुआ आपका 0.4, कैलकुलेट क्या करना है हमको, वाई ए कैलकुलेट करना है। यही सबको डायरेक्ट पता चल गया कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर, वेपर में निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन, वाई ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कंपोनेंट ए इन वेपर, वेपर कंपोजिशन। ओके, और गिवन क्या दिया है, पी ए नॉट डिवाइडेड पी ए नॉट डिवाइडेड पी वी नॉट इक्वल टू टू दिया है। ठीक है, हमको पहले वाई ए देखने से ही हमको डायरेक्ट हमको याद आना चाहिए कि हमको फॉर्मूला क्या होता है, वाई ए बराबर क्या होता है, हमको पी ए होल डिवाइड बाई पी टी, पी ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए होल डिवाइड बाई पी टी को भी आप एक्स ए के टर्म लिख सकते हैं। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, पीटी को भी आप एक से एक टर्म नहीं लिख सकते हैं, या टोटल लिखिए, अभी टोटल लिखिए, आपको तब तक याद नहीं है तब तक, पी पी नॉट एक्स बी, आप यहाँ से एक्स बी को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक वन माइनस एक्स से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी एक्स से है 0.4, तो एक्स बी यहाँ से क्या आ जाएगा, वन माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। उसी तरह यहाँ से पी ए नॉट एक्स से कितना हो गया आपका, 0.4 होल डिवाइड बाई पी ए नॉट एक्स से कितना है, 0.4 प्लस पी बी नॉट एक्स बी कितना हो जाएगा, 0.6। और ये इस कंडीशन का भी हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कीजिए कि पी ए नॉट को आप लिख दीजिए 2 times पी बी नॉट, लिख सकते हैं, देखिए तो ऊपर पी ए नॉट को क्या लिख सकते हैं, 2 times पी बी नॉट इंटू 0.4, यहाँ पे भी लिख दीजिए 2 times पी बी नॉट इंटू 0.4 प्लस पी बी नॉट इंटू 0.6। तब देखिए नीचे से पी बी नॉट कम हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 0.8 times पी बी नॉट, नीचे आपका इधर आ जाएगा 0.8, इधर आ जाएगा 0.6, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1.4 times पी बी नॉट। तो यहाँ से पी बी नॉट का कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4/7। ये था आपका ओवरऑल रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेपर कंपोजिशन रिगार्डिंग राउट्स, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए, आप आशा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन और आपने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिए होंगे, ठीक है। तो आप एक बार क्लियरिफिकेशन के लिए मेरा सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए बाइनरी सोल्यूशन अप टू वोलेटाइल कंपोनेंट टोटल वेपर प्रेशर कितना है, 600 mmHg, मतलब कि हमको टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वाइल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड कितना दिया हुआ है, 0.3 इन लिक्विड दिया हुआ है, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर दिया है 0.3, देन हमको 4 options दिया हुआ है, बोला ये कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंपोनेंट ए जो है ग्रेटर देन होगा कंपोनेंट बी, कि कंपोनेंट ए जो है उसका ग्रेटर देन होगा कंपोनेंट बी, या बहुत इक्वल है यार, चारों ऑप्शन सही, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है वाई ए बराबर क्या होता है, पी ए डिवाइड बाई पी टी, ये क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइड बाई पी टी, पी टी हमारे पास टोटल दिया हुआ है 600 और हमारे पास वाई ए भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, वाई ए 0.3 और एक्स ए भी दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ से हमारा पी ए नॉट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.3 इंटू 600 और यहाँ से हमको एक्स ए कभी नीचे डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8। तो ये समथिंग आपका आता है 20 to 25 mmHg, ओके। उसी तरह आप जैसे कि पी ए नॉट ऑब्जेक्शन के लिए उसी तरह आप पी वी नॉट निकाल सकते हैं, पी वी नॉट के लिए आपको वाई भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई भी क्या होगा, पी वी डिवाइड बाई पी टी होगा, और यहाँ से जैसे कि यहाँ पे वाई ए कितना दिया है 0.3, तो वाई भी कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 माइनस कीजिए तो वाई भी हो जाएगा आपका 0.7, और यहाँ से आपका एक्स भी कितना हो जाएगा 0., और जैसे कि यहाँ से आपका एक्स भी कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ये था आपका ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको इनपुट करते हैं, तो पी वी को क्या लिख सकते हैं, पी वी को हम लोग लिख सकते हैं पी वी नॉट एक्स वी होल डिवाइड बाई पी टी, को क्या लिख सकते हैं, पी टी को वाई लिखेंगे, पी टी तो हमको पता दिया है 600 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से वाई भी लिख लिए 0.7 लिख लीजिए, यहाँ से एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स भी को लिख दीजिए आप 0., एक्स भी को लिख दीजिए आप 0.2, यहाँ से आप पी वी नॉट निकाल लीजिए, तो पी वी नॉट आपका ओवरऑल आ जाएगा समथिंग एक इतना mmHg। तो कौन सा ज़्यादा है, तो हमको पी वी नॉट कंपोनेंट पी वी नॉट का आपका प्योर फॉर्म प्योर मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका कंपोनेंट बी वाला सही है, मतलब कि आपको सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल मतलब ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन वेपर कंपोजिशन में वेपर कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग टू
राउट्स लॉ। ओके, अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि वो टर्म डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये टर्म बच्चे सब छोड़ देते हैं लेकिन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, लेकिन वहीं पर बच्चे सब कन्फ्यूजन में आके नहीं बना पाते हैं। ठीक है, मैं आपको वो डिस्कस करके बताता हूँ। वो टर्म है इम्पोर्टेंट टर्म जिसे मैंने दिया, फर्स्ट टर्म है डिस्टिलेट, सेकेंड टर्म है बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको डिस्टिलेट बता रहा हूँ, फिर बबल पॉइंट बताऊँगा, फिर ड्यू पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डिस्टिलेट, डिस्टिलेट कहने का अर्थ है मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपको डिफरेंस बताऊँगा। ठीक है, डिस्टिलेट करने का, जैसे कि मैंने ये कोई कंटेनर लिया था, जैसे ये लिक्विड था, लिक्विड से ये वेपर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो भी वेपर का मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई है, वाई भी। ठीक है, तो ये जितना भी मतलब ऊपर जाके वेपर कन्वर्ट हो रहा है, ये ऊपर वाला जितना भी ऊपर जाके कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एनोदर कंटेनर में इसको हम लोग ले ले रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको कैप्ट कर दे रहे हैं, इसको हम लोग रख लिए, ले लिए। तो ये ऊपर वाला जो था आपका वाई है, वाई भी, वो उसको हम लोग अब एनोदर कंटेनर में ले, तो उसका हम लोग बोल दिए कि एक्स डैश है, एक्स बी डैश है, जहाँ की एक्स डैश बराबर है वाई ए के और एक्स बी डैश से बराबर है वाई बी के। ठीक है, फिर से हम लोग इसको अगर हीट करेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, कुछ वेपर में कन्वर्ट होगा, ये मान लीजिए ऊपर कन्वर्ट हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया वाई डैश वाई बी डैश। तो फिर अब इसको हम लोग एक अनदर कंटेनर में रख लिए। ठीक है, जैसे कि इधर रख लिए, तो अब यहाँ पे एक्स ए डबल डैश के इतने बराबर होगा, वाई डैश के बराबर होगा, वाई डैश, फिर ये ऊपर कुछ कन्वर्ट होगा, फिर ये जाएगा, फिर इसको हम लोग किसी और अनदर कंटेनर में लेंगे। इसी तरह ये प्रोसेस क्या होगा, इनफिनाइट टाइम तक चलते रहेगा। ठीक है, अगर डिस्टिलेट करते हैं तो इसका यूज होता है, वो हम मैं बाद में यूज बताता हूँ। तो इसमें क्या कॉमन चीज़ है, ठीक है, वो कॉमन चीज़ क्या है कि जब वो कॉमन चीज़ है कि व्हेन ए वेपर मिक्सचर विल कंडेंस ऑब्टेन बाय द लिक्विड, ऑब्टेन जो लिक्विड मिक्सचर होता है विच हैव सेम कंपोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा वेपर प्रेशर है उसका मोल फ्रैक्शन जो इतना है, उसके पास जितना मोल फ्रैक्शन आया था उसको जब हम लोग एनोदर कंटेनर में जब कंडेंस करते हैं, मतलब कि वेपर है तो इसको हम लोग फिर लिक्विड, जैसे हम लोग लिक्विड से ना वेपर में जाएगा, तो हम लोग को इसको वेपर से लिक्विड मिलाने के लिए हमको हमेशा कंडेंस, मतलब कि यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको जैसे वेपर को हमको लिक्विड में लेना है, मतलब यहाँ पे हमें हमको कंडेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको कंडेंस करना पड़ेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब करना पड़ेगा, फिर यहाँ से भी हमको कंडेंसेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का अर्थ है ये लिक्विड से वेपर जा रहा है। ठीक है, तो फिर हमको वेपर से लिक्विड में लाना पड़ेगा, जैसे वेपर से लिक्विड में आया, फिर यहाँ से वेपर जाएगा, फिर यहाँ से वेपर से लिक्विड में जाएगा, वो कंडेंस करके तब ना आएगा, फिर यहाँ से वेपर में जाएगा, इससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था कि जो इसका कंपोजिशन होता है, तो जो वेपर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो वो कंपोजिशन चेंज नहीं होता, जितना मोल फ्रैक्शन पहले रहता है उसके वेपर कंपोजिशन में, उतना ही आफ्टर जब उसको हम लोग कंडेंसेशन करते हैं तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है सेम ही होता है, मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं होता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे चीज़ को हम लोग जो पुराने ज़माने के जो स्टीम इंजन आते थे इसी प्रोसेस पर यूज होते थे, उसको हम लोग उसी वेपर को हम लोग बार बार यूज करते थे, बार बार उसको कन्वर्ट करते थे लिक्विड में, फिर उसका यूज करते थे। ठीक है, इसी प्रोसेस से हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही स्टीम इंजन का काम आविष्कार हुआ था, उससे हम लोग बहुत अभी तो एडवांस लेवल पर आ गया है, इतना ना फास्ट प्रोसेस होने लगा है कि पूछिए मत। अभी आप कल किसी भी कार में देख लीजिए, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बबल पॉइंट क्या होता है और ड्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले में, जब भी हम लोग लिक्विड का वेपर प्रेशर और आपको वेपर कंपोजिशन का वेपर प्रेशर ग्राफ कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ से मैं आपको बता दूंगा कि बबल पॉइंट क्या होता है और ड्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये जो लाइन था, ये हमारा लिक्विड वाला लाइन था। ठीक है, और ये वाला जो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, ये वेपर वाला लाइन था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो होता है उसमें लिक्विड भी होता है, वेपर मतलब लिक्विड प्लस वेपर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन था, इस लाइन के ऊपर क्या होगा, सिर्फ लिक्विड होगा, सिर्फ लिक्विड मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड, सिर्फ लिक्विड होगा। और ये तो वेपर प्रेशर वाला लाइन था। ठीक है, तो इसके नीचे जो भी होगा एकदम सुपर हीटेड वेपर होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वेपर, इसके नीचे जितना भी लिक्विड होगा सब वेपर होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी हम लोग ग्राफ से देखेंगे, इसके ऊपर का पूरा लिक्विड होगा, इसके नीचे का पूरा वेपर होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो आप इधर किधर भी, जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट खींच रखा है,
अब इधर भी पॉइंट खींच लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पॉइंट मतलब एक लाइन खींचा, यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, एक पॉइंट मेजर किया यहाँ पे वन ऊपर अंदर, एक इसमें हम लोग मेजर कर लिया अंदर लाइन पे टू, एक यहाँ मेजर कर लिया मैंने इस लाइन पे रेक्टेंगुलर है मतलब वेपर वाला पे लाइन पे थ्री, और एक नीचे लाइन पे मेजर कर लिया पॉइंट मेजर किया फोर। तो अब पता करना है ये कौन कौन सा पॉइंट है, ठीक है। वन वाला पॉइंट क्या है हमारा सुपर कोल्ड लिक्विड वाला पॉइंट है, और फोर वाला पॉइंट क्या है हमारे पास सुपर हीटेड वेपर वाला लाइन है, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि कन्फ्यूजन क्या है कि टू वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, थ्री वाला पॉइंट मतलब कि जितने पॉइंट है इस मतलब इस लाइन पर जो जो पॉइंट आएंगे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे ये हम लोग जानना चाहते हैं। कैसे इस पॉइंट के नीचे ना हमको सुपर हीटेड वेपर मिल रहा है, चाहे इस पॉइंट के ऊपर ना हमको सुपर कोल्ड लिक्विड मिल रहा है, तो इस पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा, इस पॉइंट को हम लोग जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो टू पॉइंट है और जो यहाँ पे थ्री पॉइंट है, तो टू पॉइंट को हम लोग बबल पॉइंट बोलते हैं, और थ्री जो थ्री नंबर जो पॉइंट है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मैं समझाता हूँ कि जो ये टू पॉइंट है, तो टू पॉइंट से अगर इसमें प्रेशर जो है थोड़ा सा भी अगर प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके ऐसा पॉइंट होता है जैसे कि आपको मैंने डिफिनेशन लिखी दिखाया है कि पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर वेपर इज नोन एज बबल पॉइंट। कहने का अर्थ जैसे कि मान लीजिए कोई भी मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट है अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा, तो ये किधर आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा, इसमें क्या होगा ये लिक्विड प्लस वेपर मतलब थोड़ा थोड़ा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए टाई हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर ये वाला पॉइंट ले रहे हैं या ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ की वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट इन टू वेपर इन इज नोन एज बबल पॉइंट, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट इन टू वेपर नोन एज ड्यू पॉइंट, ठीक है। कहने का अर्थ कि देखिए जैसे कि एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट है, ये इसके ऊपर कितना है पूरा का पूरा लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है इसके ऊपर पूरा पूरा, अगर हम लोग जस्ट थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसमें किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें क्या किस में टेंडेंसी होगा, इसकी इसकी टेंडेंसी होगा कि फर्स्ट ड्रॉप जो है टेंडेंसी होगा इसको वेपर में जाने के लिए, और धीरे 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 जब हम लोग नीचे आएंगे ये जो होगा इसका लिक्विड का लास्ट ड्रॉप होगा, क्यों इसके बाद हम जैसे जाएंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ड्रॉप होता है लिक्विड का उसको हम लोग बबल पॉइंट बोल देते हैं, जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो होता है जो कि कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें वेपर में, इसको हम लोग बबल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट ड्रॉप होता है ऑफ लिक्विड का जब ये वेपर में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोल देते हैं। ओके अब समझ में आ गया होगा कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए, जो प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन ग्रेटर देन होता है बॉल पॉइंट, तब मतलब देखिए ये पेपर प्रेशर था, टोटल प्रेशर था, ठीक है, टोटल प्रेशर था ना, तो यहाँ किस पे यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये बबल पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब ऊपर हम लोग जाएंगे, जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएं अगर बबल पॉइंट ये बबल पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर होगा मतलब बबल पॉइंट के मान लीजिए ये पॉइंट है तो इससे रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट है ये बबल पॉइंट वाला पॉइंट है प्रेशर पे, अगर जस्ट इससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा फेज है, ये लिक्विड वाला फेज है, मतलब ये लिक्विड फेज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब प्रेशर जो अप्लाइड हो ड्यू पॉइंट मान लीजिए कोई भी ड्यू पॉइंट, ये ड्यू पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, अगर इससे प्रेशर अगर कम होगा तो किस में आ जाएगा, वो वेपर फेज में आएगा। तो वही बोला है कि जब ड्यू पॉइंट से प्रेशर जो है मतलब नीचे कम होगा तो क्या हो जाएगा, वेपर फेज आएगा। ये था आपका ओवरऑल लिक्विड फेज क्या होता है, वेपर फेज क्या होता है, और बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, जो प्रेशर जो होता है बबल पॉइंट से ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, लिक्विड फेज होता है। लेकिन जब प्रेशर जो होता है ड्यू पॉइंट से कम होता है, जैसे ये कोई भी ड्यू पॉइंट है ये इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये वेपर फेज होगा। तो ये ओवरऑल आपका था ड्यू पॉइंट, वेपर फेज और बबल पॉइंट, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, आप इसको अच्छे से पहले फिगर बना लीजिए फिर समझ लीजिएगा आपको, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका राउट लॉ, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले लेसन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है, आपको अगले लेसन बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर